नमस्कार, न्यूज सुपर सेवन में आपका स्वागत है। कहते हैं, किसी पुरुष में यदि स्त्री का हृदय आ जाए तो वह देवता हो जाता है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। न्यूज सुपर सेवन के कैमरे पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है हरिराम पांडे, जो कि 19 साल में 35 बेटियों की माँ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शख्स पुरुष होते हुए भी इतना कोमल हृदय रखता हो कि दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों सा प्यार दे सके, उसे माँ कहना ज़्यादा उचित होगा। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हरिराम पांडे उन 35 बेटियों के पिता है जिनको उनके जन्म देने वाली माओं ने अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं कि हरिराम पांडे जी देवघर झारखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने वर्ष 2004 से अब तक ना जाने कितनी बच्चियों को ज़िंदगी प्रदान की है। नारायण सेवा के संचालक हरिराम पांडे के कार्यों को देखते हुए हिंदी फिल्म के महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने आप को नहीं रोक पाए और पांडे जी को KBC में बुलाकर सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार के रूप में बच्चियों की शिक्षा के लिए धनराशि भी दी। हरिराम पांडे देवघर में नैयाडीह में अपना आश्रम चलाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी हरिराम जी की जुबानी। जय परमात्मा। मैं हरेराम पांडे बोल रहा हूँ। वह 9 दिसंबर 2004 की भोर बेला हमारे जीवन को एक मोड़ दे दिया। कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, दौड़ के मैं भी गया। क्या बात है भाई, तो एक सुंदर सी बिटिया को कपड़ा में लपेट के झाड़ी में बिग दिया था। पूरे नाभि में चींटी लगी हुई थी, बच्ची कोमा में चली गई थी। दया आया, मन विचलित हो गया। क्या परमात्मा, जिस बेटी को फूल का जो है सब बिस्तर होना चाहिए था, वह बेटी आज कांटों के ढेर पर पड़ी। और बच्चा जो छटपटाया था, बहुत सारा झाड़ी जंगल उसके पेट को पीठ को छेद दिया था, चारों तरफ खूने खून हो गया। बावजूद भी दया कर आज्ञा उठाया और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए और इलाज करवाने लगे। कुछ लंबा इलाज चली, बेटी बच गई। बेटी बच गई, बड़ी खुशी हुई। तापसी नाम रखा उसका। समय बीतता गया, फिर एक बेटी पर्वर में छपता है, वहाँ बच्चा बिग दिया और वो इन्फेक्शन के कारण चला गया, मर गया या कुत्ता फाड़ के खा गया। तो मन में आवाज आ गया कि इससे बढ़िया सेवा तो इस धरती पर है नहीं, तो मैं क्यों नहीं ना इसको अपना जीवन का पूजा मान के। बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि पर आए ही थे, आध्यात्मिक उनसे मिले, वो भी हमारे सेवा को जो है सो सम्मानित किए और उन्होंने कहा कि बाबा इसको ट्रस्ट बना दो। तो नारायण सेवा आश्रम नाम से ये ट्रस्ट बन गया, हरेराम पांडे भवानी देवी ट्रस्ट बन गया और बेटियों का सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद फिर ट्रेन के बाथरूम में एक बच्ची बेटी, सुंदर सी बिटिया, वो कपड़ा में लिपट के जो है सो छोड़ दिया। ट्रेन में जो पब्लिक थे, बाथरूम गए, हल्ला किया, आदमी का बच्चा, नवजात बच्चा यहाँ फेंक दिया है। बहुत दंपत्ति जिनको संतान नहीं था लेने, लेकिन देखा कि उस बेटी को आंख नहीं है, इसके कारण वो सब भाग गए। अब कोई लेने वाला नहीं। अब दौड़ के हम गए, हमको पता लगा। हम बोला कि परमात्मा मेरे लिए बनाया है, आप इसको दे दीजिए, तो अच्छा पढ़ने में है, गीत वगैरह भी अच्छी गाती है। और ये सिलसिला चालू रहा और आज मैं 35 बेटियों का पिता बन चुका हूँ। बहुत सारी बेटियां मेरी DAV स्कूल में पढ़ती है, हिंदी इंग्लिश में बात करेगी आपसे। इस सफर को तय करने में बहुत सारी कठिनाइयां आई। यूं कहूं कि मैं दुख का माला पहना रखा, लेकिन इतना इतना कष्ट मेरे जीवन में हुआ, अर्थाभाव है। अब 8 बेटी 10 बेटी नन्ही सी आ गई, सब जैसे नवजात, बिना माँ का बच्चा, 1 kg 1.5 kg 2 kg 24 घंटा में दूध पिएगा। 20-20 kg दूध को कहां से? समाज से कुछ भाई लोग जुड़े और सबों के सहयोग से और अपना जो है सो
कुटुंब संबंधी लोग भी कुछ सहयोग किया, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब हायर एजुकेशन में बेटियां जा रही हैं, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, इतना लंबा खर्च मैं कहां से पूरा करूं। तो अचानक फिर याद आया एक दिन, ईश्वर का कृपा हुआ और हमारा एक न्यूज चल रहा था द बेटर इंडिया के माध्यम से, जिसको अमिताभ बच्चन बाबू ने देखा। अमिताभ बाबू, वो उनका दिल छू गया, वो मने कि विचलित हो गया, हरे राम पांडे से मिलवाओ भाई। तो हमारे केबीसी का टीम जो है सो देवघर आया और हमारा पूरा जो है सो आश्रम सारे बेटियों का न्यूज बना करके वो लोग जो है सो वहाँ ले गए और आदर पूर्वक नौ बेटी के साथ हमको यहाँ से बम्बई और बम्बई से यहाँ सारी व्यवस्था उनकी केबीसी की थी। हम लोग बम्बई गए, वहाँ केबीसी जैसे स्टेशन पर उतरे वो लोग रिसीव करके ले गए और वहाँ होटल में रखा, खाने पीने की सारी व्यवस्था उनकी थी। फिर गोरेगांव फिल्म सिटी गए, अमिताभ बाबू से जब मिले तो खुशी का ठिकाना नहीं, वो सारे बेटियों से बात करने लगे। एक बेटी मेरी है नव्या नाम की, छोटी सी गुड़िया, अभी स्कूल गई हुई है वो। तो गुड़िया बोले, गुड़िया बेटी तुम्हारा नाम क्या है? था नव्या। तो वहाँ हंसने लगे, मेरे नतनी का भी नाम नव्या है। अब नव्या बहुत प्यारी बेटी उनकी हो गई, बाद में तापसी बेटी थी, खुशी बेटी थी, ये सब जो हायर एजुकेशन में है। तो इनसे बात करने लगे, पर इंग्लिश में बात किया, बेटियाँ बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर समस्या आया आगे पढ़ाई के लिए, वो नीट करना चाहती है, नीट तैयारी के लिए आपका जो है सो बच्चों को बढ़िया कोचिंग चाहिए, टीचर चाहिए जो मैं नहीं दे पाता हूँ। इस सारी समस्याओं को देख के उन्होंने कहा कि कैसे करोगे बाबा? उन्हें एक मात्र वैकल्पिक व्यवस्था मेरे पास है कि कुछ जमीन तो बेच के हम बच्चों को लगाया है और कुछ जमीन बेचूंगा तो ही हो सकता है, बाप दादों का संपत्ति कुछ है मेरे पास। बाद में वो बच्चियों से बात करते करते वो रो पड़े और उन्होंने अपने पैकेट से 21 लाख रुपया का सहयोग हमारे बेटियों के एजुकेशन के लिए दिया। और बाद में हर सीट पर शेफाली बहन जो है वो मेरा साथ दिया, बोले बाबा बेटियों का सेवा किए हो, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी आपके साथ हर सीट पर बैठूंगी। और 25,70,000 रुपया हम लोग केबीसी से जीते और कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी भी सहयोग किया, उन्हें मिला जुला के 53 लाख रुपया जो आश्रम का एक पार्ट में नहीं बनाया था, थोड़ा सा छूट गया था, उसके लिए 25 लाख रुपया मिला कि बाथरूम वगैरह है जो आधा थोड़ा मोड़ा काम, चार आना काम बाकी पड़ा हुआ है, ये सब को आप ठीक कर लीजिए। तो ये सब हिम्मत जो मिला वैसा महसूस होता है कि एक ईश्वर के इस निर्धन संतानों के घर, अंधेरी घर कहिए, इसमें केबीसी अमिताभ बाबू एक दीपक जलाया और प्रकाशित हो उठा यह घर। आज हमारी बच्चियां खुशी से झूम रही है और मैं ईश्वर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, केबीसी को एवं अमिताभ बाबू को, जो ईश्वर उनको उनका आयु बहुत लंबा करे, वो स्वस्थ सुंदर रहें और इस तरह से मानवता की सेवा करते रहें। कितना बच्चियां हैं अभी? 35 बेटियां हैं मेरे पास, इसमें कुछ बेटियां ऐसी हैं जो बोलती नहीं, कुछ है सुस्त बच्चा है और 5-6 ऐसे भी हैं। और बाकी देखिए ना, परसों जो है सो ये बच्ची को ये गेट के सामने में 4 बजे के बाद 5 बजे के पहले भोर बेला में एक थैला में थोड़ा सा कपड़ा था, 2-3 सेट बिस्कुट का एक पैकेट था, खांसी का दवा था और ये बच्ची को वहाँ बैठा के चला गया गेट के बाहर में। और स्थिति यह था कि इसका मुंह कुत्ता चाटता था, इस गांव से लोग कुछ शौचालय के लिए निकले थे, लोग गेट आप मेरा बजाय हल्ला किए, बाबा दौड़ो दौड़ो ये बच्चा को कुत्ता चाट रहा है। दौड़ के हम निकले बाहर, हम लोग गेट खोला
तो देखते हैं कि कुत्ता तो ये बेटी को जो है सो उठा के लाए। अब इसका कारण क्या कि थोड़ा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है और इसके भी पैदा करता छोड़ के चले गए। बोलिए इस सब बेटी को जो है सो आज भारत में हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झुंड समय काल चल रहा है। इस समय में हमारे बेटियों को जो फूल का गद्दी मिलना चाहिए।